हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 बायोलॉजी जिसमें पढ़ना है आपको बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरेडिटी। इस चैप्टर में जो चैप्टर 6 चल रहा है, यह चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 जिसमें आपको पढ़ना है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इस चैप्टर के अंतर्गत मानव जीनोम परियोजना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मानव जीनोम परियोजना है क्या? तो आप जीनोम किसको कहते हैं? किसी भी जीव के अंदर जो संपूर्ण डीएनए होता है, संपूर्ण जीन होते हैं, उन संपूर्ण जीन को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। तो मानव के जीनोम, मानव जाति है, उसके अंदर जो संपूर्ण डीएनए है, जीन है, उसके बारे में यह परियोजना है, एक प्रोजेक्ट है। जिस या ऐसा क्या है इसमें, तो आप जानते हैं कि मनुष्य के अंदर कितने डीएनए होते हैं, किस प्रकार से उनके निर्माण होता है, क्या उनका कार्य है, किस प्रकार से जो उनकी संरचना है, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो उस पूरी जानकारी को एक जगह एकत्रित करने के लिए एक परियोजना चलाई गई जिसको कहते हैं मानव जीनोम परियोजना। यानी मानव के डीएनए में उपस्थित जितने क्षार अनुक्रम हैं, न्यूक्लियोटाइड क्षार हैं जो मिलकर डीएनए बनाते हैं, उस न्यूक्लियोटाइड की संख्या क्या है, उनका कार्य क्या है और वो किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, उनको जानने के लिए 1990 में, कब हुआ? 1990 में ये मानव जीनोम परियोजना, या इसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं, HCGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ। इसे मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट? क्योंकि यह इतनी बड़ी परियोजना थी जिसमें कि बहुत बड़े धन की आवश्यकता थी और बड़े धन के साथ साथ संसाधन की आवश्यकता थी, वैज्ञानिकों की आवश्यकता थी, और इसलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट नाम दिया गया। आप समझ सकते हैं कि यह योजना 1990 में शुरू हुई और पूर्ण हुई 2003 में। अमेरिका में इस प्रोजेक्ट को लिया गया, अमेरिका का एनर्जी डिपार्टमेंट और अनेक कई डिपार्टमेंट मिल करके इस परियोजना को शुरू किए, जिसको बाद में जैसे शुरू तो किया अमेरिका ने, लेकिन अमेरिका के बाद इस परियोजना को फ्रांस, चीन, जर्मनी इत्यादि का भी सहयोग मिला और इस प्रकार यह परियोजना पूर्ण हुई 2003 में। इस परियोजना में कुछ जानकारियां मिली कि मानव का जो जीन है, जीनोम है, उसमें 25 से 30 हज़ार जीन होते हैं। मनुष्य में 25 से 30 हज़ार जीन होते हैं। अब मानव, इसका उद्देश्य था जो मेगा प्रोजेक्ट का, वो ये था कि चूंकि मानव के जीनोम में टोटल पाया गया था कि 3,000 × 10^9 क्षार युग्मक होते हैं। यानी डीएनए में, मानव जीनोम में इतने क्षार युग्मक होते हैं। अब इतने क्षार युग्मक में ऐसा किया गया कि पाया गया कि एक क्षार युग्मक के बारे में जानने में $3 अमेरिकन खर्च हुआ, तो टोटल $9 बिलियन खर्च हुआ। सोचिए, इसलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें $9 बिलियन खर्च हुआ। और इसके द्वारा जब खोज हुआ तो जो एक मानव की कोशिका में जीनोम पाए जाते हैं, जो जीन पाए जाते हैं, उनकी पूरी सूचनाओं को अगर एकत्रित करके लिखा जाए, किसी किताब में रखा जाए, तो 33,000 किताब, एक किताब में 1,000 पन्ने हों, पृष्ठ हों, और 33,000 किताबें ऐसी हों, तब जा करके जो मानव जीनोम की सूचना होती है उसको कंप्लीट किया जा सकता है। अब इसके द्वारा एक और जानकारी हुई, ये मानव जीन के बारे में जाना गया, उसको डाटा संग्रह किया गया, डाटा संग्रह करके उसका विभिन्न उपयोग किया गया, उसके बारे में सूचनाएं एकत्रित की गई, उन सूचनाओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के इलाज किए गए, उपचार किए गए, विभिन्न प्रकार के खोजें की गई, और इसीलिए एक नया विज्ञान का क्षेत्र निकला जिसको कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स,
जैव सूचना विज्ञान बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी जैव सूचना विज्ञान या बायो इन्फॉर्मेटिक्स जीव विज्ञान की सबसे एडवांस शाखा बनी, जिसके अंतर्गत मानव के अंतर्गत जो विभिन्न जीन होते हैं उन जीन के अंदर जो क्षार होते हैं सबके कार्य, उनकी संरचना, उनकी उसका उसके लाभ, उसकी हानि, सब कुछ के बारे में जानकारी एकत्रित किए जाने लगा स्टैटिकली, सांख्यिकी रूप से भी, और उस सूचनाओं को संग्रह किया जाने लगा, पढ़ने जाने लगा। इसको कहते हैं जैव सूचना विज्ञान, बहुत ही एडवांस और बहुत ही आधुनिक शाखा है विज्ञान की। अब मानव जीन प्रोजेक्ट जो था, इस मानव जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया, तो आप देखें मानव में स्थित लगभग दो, पहले जानते थे लोग कि 1 लाख से ऊपर जीन होते हैं, लेकिन बाद में खोज किया गया तो पाए गए 20,000 से 25,000 जीन होते हैं मानव में। तो उन जीनों के बारे में जानना, उनका कार्य जानना, उनका संरचना जानना, उसकी विशेषता जानना, ये लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य था मानव डीएनए को बनाने वाले 3 बिलियन रासायनिक क्षार के अनुक्रमों को निर्धारित करना, यानी मानव को डीएनए को जो बनाने वाले जो क्षार युग्मक हैं जो 3 बिलियन हैं, इन 3 बिलियन रासायनिक, यहाँ से बताए थे 3×10^9, यानी 3 बिलियन रासायनिक जो युग्मक क्षार अनुक्रम होते हैं वो किस क्रम में लगे हैं, इसको जानकारी करना, ये भी एक लक्ष्य था। तीसरा, उपरोक्त जानकारी के आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना, जो जानकारी ऊपर जीन और इस आंकड़े क्षार युग्मक के बारे में जानकारी हुई, उन जानकारियों को हम एकत्र करेंगे आंकड़ों के रूप में, उसको एक डाटा बनाएंगे, डाटा बना करके अध्ययन करके उसके अनुसार आगे कार्य करेंगे। आंकड़ों के विश्लेषण हेतु नई तकनीक का सुधार करना, यानी जब हम डाटा लेते हैं तो डाटा का किस तरह से एनालिसिस करते हैं और क्या निष्कर्ष पहुंचते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि निष्कर्ष करने की विधि क्या है, उसको डाटा, उस डाटा को विश्लेषण करने की विधि क्या है। तो नई नई तकनीकी का विकास किया गया, सुधार किया गया, जिससे डाटा का उचित तरीके से विश्लेषण हो सके और सही रिजल्ट निकले। और योजना द्वारा उठाने वाले नैतिक, कानूनी और सामाजिक मुद्दों के बारे में विचार करना, जब योजना निकली तो लोग ये करने लगे कई वैज्ञानिक या पर्यावरणविद कि इससे मालूम हो जाएगा कि मनुष्य के जीन में क्या क्या कार्य है, उसमें कौन जीन है, तो उस जीन के अनुसार उसको बदलने लगेंगे, मनुष्य के जीन में बदलाव करके ऐच्छिक मनुष्य का उत्पादन करने लगेंगे, निर्माण करने लगेंगे, इससे नैतिक और कानूनी और सामाजिक दिक्कतें होंगी। तो इन दिक्कतों को देखते हुए उस पर भी विचार करना था कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा कुछ ऐसी क्रियाएं ना हो, ऐसी घटनाएं ना हो जिससे नैतिक, कानूनी या सामाजिक मुद्दे प्रभावित होते हैं या नुकसान होता। तो इस प्रकार से यह मानव जीनोम प्रोजेक्ट परियोजना जो था, यह बहुत बड़ी परियोजना जिसको अमेरिका में किया गया, शुरू बाद में जापान, फ्रांस, चीन, जर्मनी ने भी सहयोग किया, 2003 में पूरा हुआ, और जिसका लक्ष्य था मानव के जीन के बारे में विधिवत जानकारी करना, जीन में उपस्थित अनुक्रमों को, क्षार अनुक्रमों को जानकारी करना, और फिर उसका उपयोग आगे के विभिन्न कार्यों में करना, जैसे उपचार में करना, किसी कानूनी सलाह में करना, या उसके द्वारा कुछ जीवों के अनुक्रम को जान करके, जैसे बैक्टीरिया है या कोई पौधा है या फल का पौधा है, पेड़ है, उसको जान करके उसमें सुधार करना और अवांछित लक्ष्य प्राप्त करना, वांछित रिजल्ट प्राप्त करना, ऐसा भी इसके द्वारा संभव था। तो मानव जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में आपको मैंने कुछ बताया, फिर मानव जीनोम प्रोजेक्ट के जो आगे इसमें तकनीकी है, उस तकनीकी के बारे में अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।